मैं नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो, जो आपको सही लगे वो करो, क्योंकि कमाना आपको है, मेरे को नहीं कमाना। मेरे को जब कमाना होगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। जब आपको कमाना है तो आप दिमाग लगाइए। अगर आप कहोगे ना कि विजय जी आप मेरी जगह आप दिमाग लगा लो, तो पता लगेगा आपका आधी कमाई तो वहीं लेके चला गया, समझ रहे हैं आप। और किसान यही गलती करता है, वो कहता है जी मेरे को तो उसने बोला था, कमाना किसको है, आपको कमाना है ना, तो दिमाग आप लगाइए, आउटसोर्स क्यों कर रहे हो। ये बात किसानों को माननी पड़ेगी कि दुनिया में हर आदमी नहीं कमाता, मेहनत सब करते हैं लेकिन हर आदमी बराबर नहीं कमाता। मेहनत की कमाई कितनी मिलती है, भारत सरकार का एक कानून है मिनिमम वेजेस एक्ट, 360 रुपए रोज, सुबह शुरू हो जाओ 8 घंटे दिन भर मेहनत करो, खड्डे खोदो, कुछ भी करो, शाम को 360 रुपए मिलेंगे। यह है मेहनत की कमाई। अब आप उसमें खड्डे खोदो, पानी भरो, पेड़ लगाओ, कुछ भी करो, 360 मेहनत की कमाई मिल गई ना, ज्यादा क्यों चाहिए, कानून भी यही बोलता। आदमी वही कमाएगा जो दिमाग लगाएगा। मेहनत की कमाई 360, उसके ऊपर कमाना है तो सरकार ने ठेका नहीं लिया है, सरकार ने आपको खुले बाजार में छोड़ दिया है, आप में दम है तो कमा के निकल लो, मेरे भरोसे बैठे हो तो 300 रुपए, और वो भी कब, अगर आपको मनरेगा में काम मिल गया वो भी गारंटी 365 दिन की नहीं है, 100 दिन की है। तो 3 महीने कमाओ और 6 महीने उसको खाओ, ये कानून है, इसके आगे आप जा नहीं सकते। बाकी करना है आपको दम लगाना पड़े और इसलिए दिमाग लगाना पड़े, ये हकीकत है। अब डेयरी किसान के सामने जो फायदे की बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फिर मुनीश जी कहेंगे आपका टाइम खत्म हो गया है, तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं। ये जो 140 करोड़ की जो आबादी है ना, अब इसमें मौके कहां कहां है इस पर ध्यान दीजिए। आज भी हिंदुस्तान में 50% बच्चे कुपोषण के शिकार है, आज भी, ठीक। दूसरी तरफ करीब 60% महिलाएं माल न्यूट्रिशन की शिकार है। अब यह समझिए कि हम लोगों को जो मिनिमम खाना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। 140 करोड़ की जब आबादी हो जाएगी इस देश की, और जब लोगों के पास पैसा होगा तो सबसे पहले तो आदमी खाने पे टूटेगा, और जिसके पास रोटी से और चावल के बाद पैसा बच गया वो कोशिश करेगा कि दूध पी लूं, और जिसने दूध पी लिया वो कोशिश करेगा कि मैं पनीर खा लूं, हो सकता है कि मैं बटर खा लूं, और जिसको बटर और पनीर से मन भर गया तो वो कहेगा भाई साहब मैं चीज भी खा सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूं, 1000 रुपए किलो की चीज मैं खरीद सकता हूं। हो सकता है और भी कई चीजें सामने आ जाएं, जिसको आप आइसक्रीम भी बोल सकते हो, श्रीखंड भी बोल सकते हो, पेड़ा भी बोल सकते हो, बर्फी भी बोल सकते हो, रबड़ी भी, जो चाहो नाम दे दो। आदमी क्या खाना चाहेगा, जैसे जैसे लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बढ़ेगी, जो होगा हर टीवी में हम देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, अच्छा खाओ, ये चीज खराब है सेहत के लिए, ये खाओ, प्रोटीन खाओ, ये करते हैं। जब ये सब होगा तो दूध की डिमांड बढ़ेगी। उसका कारण बहुत सिंपल है, भारत की संस्कृति में कौन सी ऐसी पूजा पद्धति है जहां पे दूध नहीं चढ़ता। अब 140 करोड़ पे मैं मान लेता हूं यार 70 करोड़ लोग तो पूजा करेंगे, चाहे दिखाने के लिए करें, त्योहार तो मनाएंगे, होली दिवाली में एक दूसरे को गिफ्ट तो देंगे, चाहे चॉकलेट ही दे, दूध तो उसमें आएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि डिमांड तो बढ़ेगी। अब सोचना आपको एज ए संस्था यह है कि क्या मैं सिर्फ दूध बेच के गुजारा करूं, या आने वाले समय में मैं पीडीएफ से निवेदन करूंगा कि भाई साहब आपके पास इतने सारे किसान भाई हैं, मुझे दिल्ली में अच्छा पनीर नहीं मिलता,
तो आप पनीर बनाइए, पीडीएफए का लोगो लगाइए और दिल्ली में पनीर सप्लाई करिए ना। किसने कहा है कि आप 20-20 रुपए 30-30 रुपए लीटर का दूध बेचिए, आप पूरा 200 रुपए किलो का पनीर बेचिए। मैं खरीदना रहूं ना, अभी मैं क्या करता हूं, मैं वहां से दुकान से पनीर लाता हूं, खरीदता हूं, मजबूरी है क्योंकि पनीर खाना है, लेकिन दिमाग में ये लगा रहता है यार इसमें पता नहीं क्या मिला होगा, ये टेंशन है। लेकिन आप कहोगे कि साहब मैं आपसे 10 रुपए फालतू ले लूंगा कि प्योरिटी की गारंटी देता हूं, मेरे को हिंदुस्तान में एक कस्टमर बता दो जो कहेगा कि साहब मेरे को प्योरिटी नहीं चाहिए 10 रुपए बचाने, होता है कहीं? होता है कहीं? अगर लोग कहते हैं साहब लोग सस्ता माल खरीदते हैं, मेरे को बता दीजिए कि सस्ता हुआ माल, सड़ी सब्जी, सड़ी फ्रूट 2 रुपए 4 रुपए 3 रुपए किलो मिल जाएगा मंडी में, कितने लोग खरीदते हैं? कोई नहीं खरीदता, और आदमी छांट छांट के लेता, अच्छा होना चाहिए। जब सेहत की बात आती है ना, लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप इस इंसान की जरूरत का फायदा उठाइए। आप देखिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि पीडीएफ जो कर सकता है वो नेस्ले नहीं कर सकता, और आप नेस्ले को बीट कर सकते हो। और सिंपल सा एक उदाहरण है, और एक सामने आपके बाबा रामदेव ने एक मॉडल रख दिया है। अगर आज मेरे को दिल्ली में आप हर कॉलोनी में कुछ मत करिए, छोटे छोटे मोबाइल वैन बना लीजिए, दिल्ली कह रहा हूं बहुत दूर है, चंडीगढ़ चले जाइए, लुधियाना में आ जाइए, करनाल चले जाइए, पानीपत सोनीपत, आज दिल्ली और यहां के बीच में आपको कुछ नहीं तो कम से कम 8 करोड़ की आबादी है। लुधियाना से दिल्ली के बीच में 8 करोड़ की आबादी है, कम नहीं है, कई देशों की इतनी आबादी नहीं होती, ठीक? हम तो एक सड़क की बात कर रहे हैं। 8 करोड़ की आबादी को क्या अच्छा खाना नहीं खाना है? क्या उनको अच्छा पनीर नहीं चाहिए? क्या उनको अच्छा घी नहीं चाहिए? क्या उनको अच्छी दही नहीं चाहिए? बताइए आप मेरे को। और मुझे यह भरोसा मिल जाए कि पीडीएफए ने डायरेक्ट किसानों से ताजा दूध लेके ईमानदारी से माल बनाया, और 0.001 की भी मैं गारंटी लेता हूं कि एक बूंद मिलावट नहीं है, लेकिन बाजार से 10% महंगा है, बिकेगा या नहीं बिकेगा? आपके पास इतनी डिमांड होगी कि आप यहां मीटिंग में आने को कहोगे यार मैं जाके टाइम क्यों वेस्ट करूं अपने, यार कमाने में लगो ना। आपको सोचना पड़ेगा कमाना कैसे। दूध पैदा करना कमाई नहीं है, दूध बेचना कमाई है। प्रोडक्शन इज नॉट बिजनेस, सेलिंग इज बिजनेस, फर्क समझिए। और आप लोगों ने पिछले 50-60-70 साल में, और मैं गलती यूनिवर्सिटीज की भी मानता हूं, हमें सिर्फ यही बताया गया है हर आदमी ने, पैदा कैसे करें, दूध कैसे पैदा करें, बछड़े कैसे पैदा करें, कोई आके यूनिवर्सिटी वाला नहीं बताता कि बेचे कैसे, कमाए कैसे, बताया किसी में? आज पीएयू के एक एक्सटेंशन लिटरेचर निकाल के दे दीजिए जिसमें लिखा हो कमाए कैसे, वो ये जरूर बताएंगे उगाए कैसे, लगाए कैसे, कमाए कैसे कोई नहीं बताता। और यही दुनिया में सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि कमाना आपको। तो मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, एक तो आपस में आप लोग इस बात को वाहेगुरु जी के सामने जाइए और कसम खाइए कि अपने दूध में मिलावट नहीं करें, ताकि जनता को आप पे भरोसा रहे कि यार ये पीडीएफए का मेंबर है ना, ये मिलावट नहीं कर सकता। आप देखिए आपके डिमांड कहां कहां से आती है। जो भी बात हो रही थी पहले कि साहब विदेशी हमारा माल नहीं लेते, अमेरिका हमारा माल नहीं लेता, यही बात हो रही थी, क्यों नहीं लेते? उनको हमारे पे भरोसा नहीं है, पता नहीं इनके दूध में क्या है, पता नहीं कौन से बीमार जानवर का दूध पिला रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, उनको हमारी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। अगर आप लोग ये भरोसा दे दें तो क्या दूध नहीं बिकेगा? मैं नेस्ले का माल क्यों लूं भाई साहब? अगर मुझे ये पता लग जाए कि पीडीएफए का माल 100% प्योर है, नेस्ले का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो भी 100 ही हो, लेकिन नेस्ले और भारत के किसान के बीच में अगर मुझे चूज करना पड़ेगा दिल्ली में बैठ के कि मेरा पैसा किसको दूं, क्वालिटी दोनों की बराबर है,
और मैं भारत का पैसा किसको दूं, तो आप समझ लीजिए किसको देना चाहूंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना था? लेकिन बदले में इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो माल मेरे पास आ रहा है उसमें एक बूंद भी मिलावट नहीं, पैसा देने को मैं तैयार हूं, दिल्ली में बैठा हूं। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इस दूध में गड़बड़ नहीं की है किसान? और क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार नेस्ले वालों के पास क्वालिटी सिस्टम है, उनके डॉक्टर हैं, उनके मैनेजर हैं, मल्टीनेशनल है, गड़बड़ तो नहीं की होगी यार, उसी का ही ले लो। मैं ब्रांड पे पैसा इसलिए लगाता हूं क्योंकि मुझे बाकियों पे भरोसा नहीं है। और ब्रांड इसलिए महंगा होता है, वो यही कहता है कि भाई साहब मैं क्वालिटी की गारंटी ले रहा हूं, आप मेरा ब्रांड लीजिए। जिस दिन पीडीएफ क्वालिटी की गारंटी लेगा आपका ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आज मुझे बताइए लुधियाना में कितनी हलवाई की दुकान है, कितनी होंगी? होंगी 100 तो होंगी, 500 होंगी, 1000 होंगी। मैं आपसे यह पूछूं कि लुधियाना का सबसे फेमस हलवाई कौन सा है? चार नाम से ज्यादा नाम नहीं आएंगे हजारों में। आप ही का शहर है, हर आदमी मिठाई बेच रहा है, फेमस क्यों हुआ? आप क्यों जाते हैं गाड़ी निकाल के इतनी दूर हलवाई के पास? आपके बाजू में भी तो था, कभी सोचा आपने? आपको मिठाई खानी थी ना, 100 मीटर में दुकान थी हलवाई की, क्यों नहीं गए वहां पे? गाड़ी निकालोगे, धक्के खाओगे, पार्किंग में लगाओगे, पुलिस वाले से बच के जाओगे, यार मेरे को जरा माल लगाने दे पार्किंग, मेरे को माल लेना है, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव भी करनी पड़े, रेड लाइट भी जम करनी पड़े, मिठाई लेनी है टाइम पे, और उसके लिए धक्के खा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पड़ोसी पे भरोसा नहीं है, वहां तक जाना पड़ेगा। यही व्यापार है जो जब आप एज ए कंज्यूमर जो चाहते हो वो आपका माल, मैं दिल्ली में बैठ के मैं वही चाहता हूं आपसे, जो दिल्ली में लुधियाना का हलवाई से आप चाहते हो। तो इस बात को समझिए कि बाजार बहुत बड़ा है, पैसा भरा पड़ा है दुनिया में, पैसे की कोई कमी नहीं है। माल कौन दे रहा है? अगर आपको कमाना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन यह है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी सॉयल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान दीजिए, और हर चीज, अगर आपको चारा भी उगाना है, हर चारे के बीज की तकनीक को पहचानिए, क्योंकि जमीन आपकी है, मेहनत आप कर रहे हैं। एक चारा आपको देगा 10 टन, दूसरा देगा 20 टन, एक देगा 30 टन, एक देगा 40 टन, एक देगा 50 टन, जो भी देना है सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि चारों के चारों बीज बाजार में बिक रहे हैं, मना कोई नहीं कर रहा है। सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए, कमाई आपकी। इसी तरह से जो भी आपकी चीजें हैं, और एक लास्ट में सवाल आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि कोशिश करिए कि आप जो आपका मिड डे मील प्रोग्राम है, जैसे अभी बात हो रही थी कि साहब दूध के रेट काफी गिर गए हैं, मिल्क पाउडर भरा पड़ा है, बिक नहीं रहा है, हालात है, वर्का को पता होगा, सबको पता होगा, पंजाब सरकार से निवेदन करिए कि आप मिड डे मील प्रोग्राम लेते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम में हो सकते कोई ना कोई डेयरी प्रोडक्ट डालने की कोशिश करिए, चाहे पनीर का टुकड़ा ही सही, चाहे कुछ भी। दूसरा, आपके यहां वाहेगुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे गुरुद्वारे हैं, पीडीएफ कोई ऐसी मिठाई बना सकता है जो हर गुरुद्वारे के बाहर जिसकी दुकान लग जाए, और लोग यहां से उसको इसलिए लेके जाएं कि यार ये पेड़ा दरबार साहब का है। मैं वहां गया था, पीडीएफ के पेड़े गुरुद्वारे के बाहर मिलेंगे, भैया जाए तो 4 डब्बे मेरे लिए लिया ना, आपके पास दूध नहीं होगा, पेड़े इतने निकलेंगे। और पेड़े का रेट क्या है? आप पेड़े में चीनी को 300 रुपए किलो बेचोगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा कहने का मतलब है कि कमाने की कमी नहीं है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बस इन्हीं बातों से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और मुझे बात कहने का मौका मिला।